Hello guys, and in today's session I'm going to talk about India's space station. भारत अपना स्टेशन बनाने जा रहा है स्पेस में, और वो भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में, और ये काम पूरा होगा 2035 तक, जैसा कि इसरो ने कहा है, या उससे पहले भी हो सकता है. और बिल्कुल इसका जो डिजाइन होगा, ऑलमोस्ट जो मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो भी 5 देशों ने मिलकर लगाया हुआ है, और इसे भी पृथ्वी के सबसे पास वाले कक्षा में स्थापित किया गया हुआ है, बिल्कुल इसी तरह का डिजाइन होगा. लेकिन सवाल है कि इसके लगाने के बाद इंडिया इसके अंदर करेगा क्या, या इसके फायदे क्या हैं, और इससे जुड़ा हुआ चुनौतियाँ क्या क्या होगा. जरा सा कुछ बातों को हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं. जैसे इससे जुड़ा हुआ जो मेन जो चुनौती है वो है कि जो भी एक्सपेरिमेंट आईएसएस में किया गया है, या तो इसरो उन एक्सपेरिमेंट को पहले यहाँ पे कर ले, एटलीस्ट उसका जो भी कुछ परसेंटेज कर सकता है वो यहाँ पे कर ले, और दूसरा हो सकता है कि सेम माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में जा करके उन सारे एक्सपेरिमेंट को वहां करके खुद जो है एक्सपीरियंस करे, नॉलेज हासिल करे, और उसके बाद आगे का जो भी रास्ता होगा इसरो खुद तय करेगा. वो चैलेंजेस क्या क्या है, ऐसे तकरीबन 30 चैलेंजेस हैं या उससे ज्यादा होंगे, लेकिन मैं आज के इस सेशन में उन 30 चैलेंज का बात करूंगा वन बाय वन. डिटेल में हम लोग बात करेंगे, और ये यूपीएससी एग्जाम के लिए न सिर्फ प्री के लिए बल्कि मेन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है. तो पहला है यहाँ पे कि वाटर रिकवरी सिस्टम ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. पानी को वहां पे जाकर के हमें रिकवर करना है, मतलब वहां पे जो लोग रहेंगे वो पानी कैसे, क्योंकि वहां पे पानी तो है नहीं भाई, पानी नहीं है तो पानी पीने के लिए क्या वहां होना चाहिए, और पानी का जो सप्लाई हम बार बार जमीन से करते हैं उससे हमको निपटना है. वैसे ही वहां पे क्या है, माइक्रोग्रेविटी इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीमेंट सोलिडिफिकेशन ऑन द आईएसएस. जैसे सीमेंट सोलिडिफाई होता है तो वहां पे, क्योंकि बहुत सारे वहां पे तो गैसेस तो है नहीं, तो वहां पे क्या क्या चैलेंजेस होंगे उससे जुड़ा हुआ, तो उस पर भी हमें काम करना है. ऐसे ही है, एक वेगी एक्सपेरिमेंट है, हम आगे बात करेंगे क्या है वेगी एक्सपेरिमेंट, डिटेल में बात करेंगे. उसके बाद है आईएसएस प्रेसो एक्सपेरिमेंट है, जो वहां माइक्रोग्रेविटी में किया गया, वो एक्सपेरिमेंट क्या है उस पर बात करने वाले हैं आज. देन आप लोग सुने होंगे, अभी तमाम न्यूज में रहा था कि भाई जो वर्जिन गैलेक्टिक है उसने अपना स्पेसशिप वन मिशन किया, फिर ब्लू ओरिजिन ने अपना न्यू शेपर्ड सब ऑर्बिटल फ्लाइट मिशन किया, फिर स्पेस एक्स ने अपना इंटरनेशनल जो मिशन था वो किया, फिर एक्जियोम स्पेस कमर्शियल मॉड्यूल, ये सारे के सारे जो मिशन हैं, या रशियन स्पेस एडवेंचर स्पेस टूरिस्ट फ्लाइट टू द आईएसएस, ये तमाम जो मिशन हैं ये सबके सबके हैं, एक सब ऑर्बिटल मिशन हैं, मतलब ये सबके सब टूरिस्ट टूरिज्म के लिए किया गया है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे डिटेल में. इसके अलावा यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि जो टेली मेडिसिन है उस फैसिलिटी को हम कैसे इनरिच कर पाते हैं, ताकि हम रिमोट से रहते हुए हेल्थ को मॉनिटर कर सकें जो लोग वहाँ पे उनका है. फिर रोबोट के द्वारा हम एक जो रिफ्यूलिंग मिशन हैं, जो एक्सपेरिमेंट आईएसएस ने किया था वो एक्सपेरिमेंट भी हमें करना पड़ेगा. फ्री फ्लायर रोबोट एस्ट्रोबी ऑन द आईएसएस जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस एक्सपेरिमेंट को भी हमें करना है. फिर टेली ऑपरेशन ऑफ रोबोटिक सिस्टम, उसका नाम है डेक्सट्रे, जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उस एक्सपेरिमेंट पर भी हम लोग बात करेंगे इसमें. फिर इंटरनेशनल कोलेबोरेशन, चूंकि आप इतने बड़े अभियान करने जा रहे हो, इससे आपको जो फायदा होगा इंटरनेशनल कोलेबोरेशन को एस्टेब्लिश करने में, ताकि आप फर्दर आप डीप स्पेस को एक्सप्लोर कर सको, या जमीन पे भी आप कई तरह के फायदे को ले सकते हो, या ज्वाइंट वेंचर को आप स्टार्ट कर सकते हो, तो उसमें इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा. फिर डॉकिंग और अनडॉकिंग जो प्रोसीजर्स हैं, इस सब पे बात करेंगे हम लोग वन बाई वन बात करेंगे. और यहाँ का टेक्नोलॉजी टेस्टिंग फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट, आप जब वहां पर एक्सपेरिमेंट करोगे तो टेक्नोलॉजी को भी तो टेस्ट करोगे, टेक्नोलॉजी को भी टेस्ट करोगे वहीं पे उसी कंडीशंस में, जो आने वाले समय में हमारे जो सैटेलाइट हैं उसको लेकर के काफ़ी सारे जो समस्या हैं उन समस्याओं को हम सॉल्व कर पाएंगे. फिर क्लाइमेट मॉनिटरिंग, क्लाइमेट को मॉनिटर करना है, एंड एटमोस्फेरिक रिसर्च, ये हम कर सकेंगे वहाँ से, तो यहाँ पे जो क्लाइमेट्स हैं उसको अगर समय से मॉनिटर कर लेते हैं तो आने वाले समय में हम बहुत सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं.
स्पेस में डेब्रिज है, जैसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में क्या है, बहुत सारे कूड़ा करकट हैं, जो सेटेलाइट ले गए हैं, जो रॉकेट ले गए हुए हैं, जो अभियान हमने किया हुआ है, जो वहां पे पहले से लोग रह रहे थे, उन सब के कारण क्या हुआ, बहुत सारे कूड़ा करकट जमा हुआ है, और वो कूड़ा लगातार क्या हो रहा है, वो अपने आप में टकराते रहता है, टकराते रहता है। तो जो फंक्शनल सेटेलाइट है उसके लिए भी समस्या खड़ा कर दिए हुए हैं। आने जो फ्यूचर में हम लोग जो अभियान करेंगे भी वहां पे, उन अभियानों के लिए भी चुनौती, ये उन अभियानों के लिए भी वो मतलब एक प्रकार का चुनौती वो देगा, हो सकता है उन, तो आपके मिलियन डॉलर का जो मिशन होगा वो फेल हो सकता है यहाँ पे है। फिर वहां पे जो लोग हैं उनके लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करना, अगर उसको नहीं कर सकते हैं, उसके बाद 3D प्रिंटिंग हो गया, 4D प्रिंटिंग होगा, उन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को वहां पे हम डेवलप करके अब वहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हम कर सकेंगे। फिर रोबोटिक्स का हेल्प करके, मतलब रोबोट का इस्तेमाल करके हम लोग असेंबली और मेंटेनेंस का काम भी हम वहां पे कर सकेंगे, और इन सब के लिए ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा था कि माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन आप रिसर्च करो, स्पेस का ऑब्जर्वेशन या अर्थ का ऑब्जर्वेशन, ये एक तो काम है ही है, स्पेस टूरिज्म ये काम है ही है, पर रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी हमें वहां पर सीखना है, मैंने पहले ही बता दिया था। इसके अलावा जो प्लांट डायनामिक्स है, सॉरी फ्लू डायनामिक्स, तो फ्लू डायनामिक्स और कैपिलरी फ्लो एक्सपेरिमेंट भी वहां पे किया था आईएसएस में, और वो एक्सपेरिमेंट भी हम करेंगे कि फ्लूड का जो बिहेवियर होगा वो स्पेस में क्या होगा। फिर प्लांट ग्रोथ ठीक है ना, और जो माइक्रो ग्रेविटी एग्रीकल्चर है, मतलब स्पेस में फसल को उगाना और वहीं पे उन फसलों को खाना, और इसमें आईएसएस सफल हुआ था, और वो भी एक्सपेरिमेंट हमें हम करना चाहेंगे। फिर मटेरियल साइंस में, जैसे मैंने पहले बताया सीमेंट को सॉलिडिफाई करना, मटेरियल साइंस के क्षेत्र में कई तरह के एलॉय होगा, उन एलॉय को भी हम सॉलिडिफाई करके देखेंगे कि वो एलॉय का क्या मतलब फायदा होता है। फिर एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस ऑब्जर्वेशन, ये हमारा भविष्य का मिशन होगा। वन बाय वन हम लोग सब पे आज बात करने वाले हैं। तो आप लोग 30 टॉपिक, जैसे मैंने कहा कि 30 टॉपिक हैं, इन 30 टॉपिक में से तय बात है कि प्री या मेन में सवाल आएगा, चाहे वो सवाल 2024 में आ जाए, 25 में आ जाए, 26 में आ जाए, पर आना तो है, ये तो तय बात है। तो पहला है यहाँ पे वाटर रिकवरी सिस्टम ऑन द आईएसएस। अब आईएसएस में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वहां जो एस्ट्रोनॉट उसके भीतर रह रहे हैं, वो अपने साथ जो पानी उनको एक बार जो भेजा गया, अब उन्हें उसी पानी को रिसाइकल करके रीयूज करना है, चाहे वो पानी उनके ब्रीथ से निकलता हो, मतलब तो सांस छोड़ते हैं उसमें जो पानी होता है उससे निकलता हो, या जो स्वेटिंग है पसीना है उससे जो पानी निकलता हो, चाहे वो यूरिन ही क्यों ना हो, वो सारे वाटर क्या होता है उसको एक्सट्रैक्ट करना, वेस्ट से वाटर को एक्सट्रैक्ट कीजिए, फिर उसको रिसाइकिल कीजिए, फिर उसको प्योरीफाई कीजिए, फिर उसको रीयूज कीजिए। और इसके लिए एक टेस्ट आईएस के अंदर किया गया था। दूसरा ऐसे ही है माइक्रो ग्रेविटी इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीमेंट सोलिडिफिकेशन ऑन द आईएसएस। कई तरह के एलॉय और सीमेंट को माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन में वो कैसे सॉलिड रूप में वो बदल सकता है, उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, और उसमें भी सफल रहा था, क्योंकि वैसा करने से हम कई सारे स्पेस जो स्टेशन के अंदर जो जरूरी पड़ने वाले जो स्पेयर पार्ट्स हैं, उस स्पेयर पार्ट्स को हम डेवलप कर सकेंगे। ऐसे थर्ड है वेगी एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा सबसे पहली बार वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वहां पे उगाए गए, और ऐसे 5 से ज्यादा प्रकार के फलों सब्जियों को उगाया गया, और वहीं पर लोग खाए हैं उनको। वैसे ही है एक आईएसएस एस्प्रेसो इन माइक्रोग्रेविटी, ये इसके ये एक प्रकार का कॉफी बनाने के लिए किया गया परीक्षण है कि वहां पे कॉफी बनाते थे क्या बना सकता है। और जब आप स्पेस में आप जाओ वहीं रहो, और आपको वहां पे न सांस का चिंता हो न पानी का चिंता हो, कॉफी बनाए बनाए मिले, और फल या सब्जी अगर उगा उगाया मिल जाता है, तो बताओ कौन नहीं जाना चाहेगा, कौन नहीं रहना चाहेगा, कौन वहां पे लंबे समय तक नहीं सकता है। कहीं मतलब नहीं है वहां पे चैलेंजेस नहीं है, वहां चैलेंजेस भी हैं, चैलेंजेस के अलावा अगर हम देखें तो वहां पे और क्या क्या है। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे कुछ, ये सारे के सारे, चाहे वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप हो, या ब्लू ओराइजन हो, या स्पेस एक्स इंस्पिरेशन हो, या एक्जियोम स्पेस हो, या रशियन स्पेस एडवेंचर्स हो, इस सारे के सारे क्या है, स्पेस टूरिज्म के लिए अलग अलग स्पेस एजेंसियों के द्वारा किया जाने वाला ही अभियान है।
अभी इन अभियानों पे थोड़ा सा, चूंकि अब यूपीएससी का जो दायरा है वो बढ़ते जा रहा है, और वैसे में एटलीस्ट एक स्टूडेंट्स के पास इतना इन्फॉर्मेशन हो कि वो इन अभियानों पे कुछ बात कर सके, एटलीस्ट ये जाने कौन जो एजेंसी है किसका है और किसका क्या यूजेज है। इतना अगर आप लोग जान रहे हो हमारे समझ से काफ़ी अच्छा रहेगा। और तो कुछ तो मैं भी पूछ सकता हूँ आप लोगों से, और कुछ अगर आप लोग बता सकते हो तो आप लोग बता भी बताना चाहो तो आप लोग भी बता सकते हो। जैसे नंबर 5 वाला है वर्जिन गैलेक्टिक। वर्जिन गैलेक्टिक बेसिकली ये एक स्पेसशिप का नाम है, और ऐसे दो मिशन किया जाना था इस स्पेसशिप का यूज करके। इस वर्जिन गैलेक्टिक का जो फाउंडर है वो है सर रिचर्ड ब्रेंसन, और इसका अपना जो ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड सब ऑर्बिटल फ्लाइट फॉर टूरिस्ट एंड कमर्शियल ऑपरेशन के लिए। यहाँ पे दूसरा है ब्लू ओराइजन। ब्लू ओराइजन न्यू शेपर्ड ये भी एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट है, और इसका चूंकि ब्लू ओरिजिन का जो फाउंडर है वो है जेफ बेजोस जो अमेजोन का भी फाउंडर है, और इसका भी ऑब्जेक्टिव यही था टू टेक पैसेंजर फ्रॉम अर्थ इनटू द स्पेस, और इसमें सफल भी रहा है। थर्ड है स्पेस एक्स इंस्पिरेशन फॉर मिशन, और ये ट्विटर के जो फाउंडर हैं या ऑनर कह लो और फाउंडर कह लो आप स्पेस एक्स का, इलन मस्क जो आज दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी है। तो इसने कहते हैं ये फर्स्ट ऑल सिविलियन ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट था ये। वैसे ही एक्जियम स्पेस का है, ये क्या है प्राइवेट स्पेस कंपनी है, और इसका भी जो पर्पस है वही कि स्पेस में टूरिज्म को प्रमोट करना और एक कम्पिटिटिव बेंच पर खड़ा करना। और रशियन स्पेस जो एडवेंचर स्पेस टूरिस्ट फ्लाइट टू द आईएसएस है, इसमें सोयूज का यूज करके रशिया ने धरती से कुछ लोगों को आईएसएस में ले जाने का काम किया था। और इस प्रकार से इंडिया भी जो अपना जो स्टेशन लगाने जा रहा है तो उसका भी एक मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्पेस टूरिज्म में कहीं पीछे ना रह जाए, हम एक पैरेलल कंपटीटर बने रहें, और आने वाले समय में स्पेस में हम स्पेस पार्क बनाना चाहें, स्पेस वॉर अगर होता है तो उसके लिए है, स्पेस में अगर हमें कोई कुछ चीज़ों को रखना है उसके लिए भी हो सकता है, सब और वाइटल अगर हमें मिसाइल कोई टेस्ट करना हो तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं, या एंटी मिसाइल टेस्ट करने में भी इसका काफ़ी सारा यूज हो सकता है, स्पेस मॉनिटरिंग के लिए हो सकता है। तमाम सारे काम हमारे भी ऑब्जेक्टिव में से हैं, चलते हम लोग आगे देखते हैं इसमें है। नेक्स्ट टेली मेडिसिन एंड रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग। स्पेस के अंदर लोग वहाँ पे एस्ट्रोनॉट रह करके महीनों सालों काम करेंगे, अपना सेवा देंगे, अपना शोध काम करेंगे। वैसे में किसी क्या भी अगर हेल्थ अचानक खराब हुआ तो जरूर पड़ेगा डॉक्टर को, और डॉक्टर तो वहाँ पे हैं, जब डॉक्टर तो जमीन पे हैं, और हमको रियल टाइम में इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा अगर हम उससे मॉनिटर कर सकें, उसे हम गाइड कर सकें, इसके लिए भी आईएसएस ने अपनी तैयारी की थी, और तैयारी इसरो को भी यहाँ पे करना होगा। देन है रोबोटिक रिफिलिंग मिशन ऑन द आईएसएस। आईएसएस पे कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गया, इसमें एक एक्सपेरिमेंट ये भी है कि रोबोट का इस्तेमाल करेंगे और जो वहाँ पर सेटेलाइट जो हमने लगाया हुआ है उन सेटेलाइट को रिफ्यूल करके तो लाइफ को बढ़ा दें, और ऐसा अगर करेंगे तो ह्यूमन का इंटरवेंशन भी कम होगा, सेटेलाइट का लाइफ वहाँ बढ़ जाने के बाद सेटेलाइट लंबे समय तक अपना सर्विस देगा, टोटल जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम हो जाएगा, और ये भी हमारा एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। ये सारे टेस्ट आईएसएस में जो साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट हैं उसके सहायता से नासा और सहयोगी देशों ने वो लोग किया है, और ये हमें अभी करना बाकी है। टेली ऑपरेशन ऑफ रोबोटिक सिस्टम इसके डेक्सट्रे किया गया। अब स्पेस के अंदर लोग वहाँ पे हैं, एस्ट्रोनॉट है, बाहर में अगर कोई गड़बड़ी हुआ या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई अगर गड़बड़ी हुआ तो उसके लिए जरूरी क्या होगा, भाई एक रोबोट जाए अब बाहर में सबको ठीक ठाक करके आ जाए, या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको कोई गाइड भी करे प्लस आपके कामों का कोई डॉक्यूमेंट तैयार करें। इन सब के लिए रोबोटिक सिस्टम का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, और इसी का नाम था डेक्स्टर एक्सपेरिमेंट। देन फोस्टर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। यह बात है जब आप दुनिया के देशों के तरह आप अपना जब स्टेशन लगाओगे, क्योंकि ये स्टेशन तय बात है कि वो लोग भी अक्कल होकर के आपके साथ काम करना चाहेगा,
आप पैरेलल कम वहाँ पे फाइट दे रहे हो, दूसरा ग्रोथ आप वहाँ पे करोगे, तो हम काफ़ी सारा हम बेहतर काम, बेहतर एक्सपेरिमेंट, बेहतर तकनीक को भी हम डेवलप कर सकेंगे, और ये भी एक बड़ा सा काम है यहाँ पे। देन डॉकिंग एंड अनडॉकिंग प्रोसीजर्स, डॉकिंग का मतलब हुआ जिस स्पेस में जो लोग वहाँ पे हैं पहले से वहाँ पे हैं, उनको जो भी सामान की जरूरत पड़ती है, आपूर्ति कहाँ से की जाती है, धरती से आपूर्ति की जाती है। सप्लाई चेन में होता है कि जब जो यहाँ से जो सिस्टम भेजेंगे वहाँ पे, जो स्पेस क्राफ्ट जो हम भेजेंगे यहाँ से, तो वो वहाँ पे उसको क्या होता है सही जगह पे वो उतरे, लैंड सही जगह पे कर, लैंडिंग मतलब डॉकिंग, और अनडॉकिंग का मतलब सामान सप्लाई सही से हो जाता है तो वहाँ से उसे रिलीज कर दिया जाए, उसे क्या बोलते हैं अनडॉकिंग। ये डॉकिंग अनडॉकिंग या वहाँ पे जो वेस्ट वगैरह उसको कलेक्ट करके लिया है ये भी हो सकता है उसके साथ साथ। अभी आप अंदर में देख रहे हैं यहाँ पे कल्पना चावला को, अब ये लोग अंदर में तो है, इन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा होगा, अभी इस पे भी थोड़ा विचार कर ले हम लोग। अब मैंने पहले भी कहा था वो तमाम एक्सपेरिमेंट जो आईसीएस के भीतर हुआ था सब के सब हमें भी करना होगा, वहां जाके हम करेंगे कुछ, पर हम अपनी तैयारी कुछ हद तक हम यहीं पे हम करके जाएंगे। जैसे यहाँ पे वाटर को लेकर समस्या है, ऐसे में ऑक्सीजन की बात है, अब नासा ने टेस्ट किया था मॉक्सी टेस्ट, उसने उसके टेस्ट के द्वारा आप ऑक्सीजन को CO2 से अलग करके दिखाया था। वैसे ही यहाँ पे है कि भाई इनके जो वेस्ट हैं उस वेस्ट को फिर से उसको रिलीज करना या उसको रीयूज करना वो भी काम हो सकता है। ये फिजिकली ये कई लेवल पे संघर्ष करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, साइकोलॉजिकल हो। अब इसके लिए इनको कॉफी बन के वहाँ मिल जाए, वहीं पे इनको खुद से उगा के फल सब्जी खा सके, और थोड़ा सा जो एक्सरसाइज जो जरूरी है वो कर सके, और डॉक्टर का चिंता नहीं हो, ऑक्सीजन का समस्या नहीं हो, कोई गड़बड़ी हो तो उसे ठीक कर सकता हो, और अपना अपना और सिस्टम दोनों का मेंटेनेंस कर सकता हो, तब बात हो बेहतर स्थिति में होगा। जब बेहतर स्थिति में होगा तो बेहतर काम भी करेगा। काम क्या करना है, नीचे अर्थ को ऑब्जर्व करो और ऊपर स्पेस को ऑब्जर्व करो, और जरूरी है तो बीच में एक्सपेरिमेंट करते रहिए, नहीं तो क्या होगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी मेन समस्या वही है कि जब वहां से लोग लौट के आते हैं तो उनका क्या होता है, बर्ड्स लेग हो जाता है, पैर एकदम कमजोर हो जाता है, क्योंकि तो हड्डी में क्या होता है कैल्शियम की बहुत कमी हो जाती है, चेहरे पर झुर्री पड़ने लगता है, मसल्स कमजोर हो जाता है, कई दफ़ा DNA भी डैमेज होता है, कई दफ़ा इम्यून सिस्टम क्या होगा वो कमजोर हो जाता है, मतलब कई तरह की समस्या है, चाहे हेडेक हो, नोजिया हो, वोमिटिंग हो, कई तरह की समस्या है। इन समस्या से निपटने के लिए अगर हम पहले से काउंटर मेजर हम तैयार कर लेते हैं, तो बात है उनको ये समस्याओं से इनको सामना नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो जब वहां से लौट के आएंगे लोग इनकी हड्डियों का ये हाल होगा, और क्या क्या होगा वो तो मैं नहीं बताऊंगा, बाद में बात कभी करेंगे फिर हम लोग। पर यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, इसको आप लोग देख सकते हो, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड बी पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम देन आप कॉल कर सकते हो, और आप इस पार्ट का प्रोग्राम बन सकते हो, इसमें जो भी डिटेल चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग आप नेक्स्ट राउंड में, और आप नेक्स्ट राउंड में हम लोग देखते हैं फैब्रिकेशन जो होगा बिल्कुल कैसा होगा। तो नेक्स्ट राउंड में हम लोग आते हैं, हम लोग ने कहा टेक्नोलॉजी टेस्टिंग फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट, क्योंकि तो वहाँ पे रह करके हम टेक्नोलॉजी को भी तो टेस्ट करेंगे। अगर हम माइक्रोग्रेविटी में रह करके तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, तय बात है जब उसी टेक्नोलॉजी पे आकर के यहाँ पे फिर से तैयार करेंगे, फिर वहाँ पे हम जब रीयूज करने ले जाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। दूसरा मैंने कहा क्लाइमेट मॉनिटरिंग एंड एटमोस्फेरिक रिसर्च, क्लाइमेट को भी मॉनिटर करना है, क्लाइमेट को मॉनिटर करने के लिए बेहतर टूल्स चाहिए, और इस टूल्स का भी विकास यहाँ पे किया गया, और इन टूल्स के द्वारा हम हमारी जो उपलब्धि रही है वो अब तक हमारी नहीं कहो तो नासा का ही कह लेते हैं। तो नासा ने दो तरह का टूल्स डेवलप किया, एक का नाम था मोडिस, दूसरा का नाम था सेज। मोडिस क्या है, मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो डायमीटर है, और जो सेज है वो क्या है, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल एंड गैस एक्सपेरिमेंट्स हैं। इन दोनों के द्वारा बेहतर रिजोल्यूशन प्राप्त करके बेहतर डाटा को प्रोवाइड करने का काम किया, नतीजा क्या होगा अर्थ के क्लाइमेट को के विषय में जानकारी देना हो, या वेदर फोरकास्ट करना हो, या एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो रहा हो, या क्लाइमेट में कुछ चेंज हो रहा हो, उनको उनको सब जानकारी देना हो, ये जानकारी हमें यहाँ मिल सकेगा। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे स्पेस डेब्रिस ट्रैकिंग।
अंतरिक्ष में क्या है, कई तरह का मतलब छोटे छोटे जो भी अभी तक अभियान हुए हैं, उन अभियानों में लगातार क्या है, कूड़े पैदा होना शुरू हुआ है। कूड़े कुछ थोड़ा मोड़ा नहीं, मिलियंस में। और इन ये कूड़े कहाँ पे, लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है, मतलब पृथ्वी के सबसे पास वाला जो ऑर्बिट है उसमें चक्कर लगा रहा है, और आपस में टकराते भी रहता है। टकराने से क्या होता है, बड़ा जो जो टुकड़ा है, जो छोटे टुकड़े, छोटे से फटे छोटे टुकड़े, ये सब बनते होते हैं। टकराता क्या है, सेटेलाइट जो रॉकेट का जो पार्ट स्पेस में चला गया वो आपस में टकराता है, या ह्यूमन इंडेवर के कारण कोई वेस्ट जो पैदा हुआ वो टकराते होता है घूमते हुए, जिससे अर्थ घूम रहा है ना, पूरा का चक्कर लगा रहा है, चांद अर्थ का लगा रहा है, सेटेलाइट अर्थ का लगाते होता है। जो सेटेलाइट बेकार हो चुका है वो आपस में टकराता है, टकराने से छोटा छोटा बनता बनते जाता है, पूरा जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है वो चारों तरफ से इन डेब्रिज से भरा पड़ा है। इन डेब्रिज को निपटाने के लिए भी हमारा प्रयास है, तो सही से उस डेब्रिज को हम ट्रैक करें, और ट्रैक करने के बाद हम ऐसे सिस्टम को डेवलप करें ताकि हम उसको वापस नीचे ला सकें। ये भी एक बड़ा सा काम है, ऐसे भी काफ़ी सारा काम किया गया है। ऐसे ही एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम, मैंने कहा, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जिन जिन तमाम चुनौतियों को फेस कर रहा है, चुनौतियों से निपटने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लेवल पर वहीं भी किसी भी स्तर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, चाहे वो ऑक्सीजन की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो खाने की समस्या हो, चाहे वो रहने की समस्या हो, चाहे वो सोने की समस्या, कोई भी समस्या, हर एक चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, और उनके ताकि वो वहाँ पर रह सकें, एक्सपेरिमेंट को कर सकें, और हमारे लिए पूरा अंतरिक्ष का रास्ता खोल सकें। देन है इन ऑर्बिट 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग के मतलब ये क्या हुआ कि कुछ एडिटिव मटेरियल्स होते हैं जिनको हम यहाँ पर ले जाएंगे, वहाँ पर 3D प्रिंटिंग है, 4D प्रिंटिंग है, वहाँ पर हम उन मटेरियल्स को मिला करके हम चीज़ों का निर्माण करेंगे, गुड्स को तैयार करेंगे, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण करेंगे, और जरूरी इंस्ट्रूमेंट को हम वहीं पर डेवलप कर सकें। इसके लिए भी वहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और इसके देन है रोबोटिक्स फॉर स्पेस असेंबली एंड मेंटेनेंस। स्पेस में ही रोबोट के सहारे हम चीज़ों को असेंबल करके हम डेवलप कर सकें, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है। ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च की बात, जैसे मैंने भी कहा, माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन में जो केमिकल एलिमेंट्स होता है, या कोई भी आप रिसर्च करते हो, उन रिसर्च का इफेक्ट लाइफ पे क्या होगा, केमिकल प्रोसेस पे क्या होगा, फिजिकल प्रोसेस पे क्या होगा, वाटर के बिहेवियर या कोई फ्लूड है उसका बिहेवियर है वो क्या होता है, समझने के लिए वहाँ पे कई तरह का रिसर्च किया जाता है। चाहे वो जीन का बिहेवियर हो, या DNA का बिहेवियर हो, या इवन ह्यूमन का खुद का बिहेवियर भी लग जाता है वहाँ पे। उन सबके जानने के लिए जरूरी क्या होता है, वहाँ पे जाकर रिसर्च करें सही से। देन स्पेस एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन। स्पेस को ऊपर स्पेस है, नीचे अर्थ है, स्पेस में बहुत सारा चीज़ है जो अभी तक अनसुलझा है, जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स के होने की बात, जैसे डार्क मैटर का कॉन्सेप्ट है, जैसे डार्क एनर्जी है उस पर है, न्यूट्रॉन स्टार हैं, ब्लैक होल्स हैं, स्ट्रिंग थ्योरी जो है, जो 10 डायमेंशन यूनिवर्स की बात करता है, पृथ्वी कैसे बना, या जो बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था, तो बहुत सारे जो तमाम बातें हैं उसके विषय में जानकारी चाहते हैं। कहीं कोई मेटेराइट्स हमारे तरफ तो नहीं आ रहा है, उसके विषय में समय से जानकारी हासिल करना, और दूसरी तरफ अर्थ की तरफ निगाह बनाए रखना। तो बीच में प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्या प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से आपको ऊपर भी और नीचे भी निगाह बनाकर रखना है, समय रहते हर एक चीज़ के विषय में हमें जानकारी भी देना है, और उससे निपटने का रास्ता भी आपको तय तय करना है, क्योंकि वहाँ पे कोई समस्या नहीं है, साफ साफ पूरा अंतरिक्ष दिखाई देगा, और नीचे में जो चैलेंज था जिसके कारण हमें वहाँ पर ले जाके जाना पड़ा। उसके बाद हम लोग बात कर चुके हैं कि भाई बोन डेंसिटी क्यों घटता है, फ्लूड, मैंने कहा कि फ्लूड डायनेमिक्स है, इसको अगर हम पिछले एक एक्सपेरिमेंट किया गया, कैपिलरी फ्लो एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा फ्लूइड के बिहेवियर को समझा गया, और उससे फायदा ये होगा कि आने वाले समय में जो फ्यूल फैब्रिकेशन सिस्टम है, जो ईंधन जो हम भरते हैं तैयार करते हैं, हम तो बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे। प्लांट ग्रोथ और माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट जो वेगी एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया गया था, ये तो हम लोग बात कर चुके हैं। मेटेरियल साइंस एलोय का हम लोग बात कर चुके हैं। एस्ट्रोनॉमी और स्पेस ऑब्जर्वेशन, इसका भी हम लोग बात ऑलमोस्ट कर चुके हैं। तो गाइस, उम्मीद है कि इस क्लास में जो भी हमने बात किया, ऑलमोस्ट सारे बातों को आप ध्यान रखना, और हर एक चीज़ पे आप एक 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 लाइन भी लिखते हो, एक एक लाइन भी लिखते हो, हर एक 30 पॉइंट अगर आप बनाकर लिखते हो, तय बात है कि UPSC का जो क्वेश्चन जो भी कुछ पूछेगा इस पर पूरा का पूरा मेन में हो जाएगा, और प्री में अगर कुछ भी पूछता है आप बेहतर तरीके से उसका जवाब कर सकोगे, उम्मीद यही है। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं फिर से अगले वीडियोज़ में, और वो भी
हाँ, और कोई किसी को कुछ कमेंट करना हो, कुछ क्वेश्चन करना हो, तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हो। बिल्कुल दूसरा है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड लास्ट में तो आप लोग यहाँ पे लास्ट चरण में पहुँच चुके हैं। एंड आई होप, तो गाइस थैंक यू एंड बाय।